उत्तर प्रदेश के सीतापुर के सिधौली से 28 अगस्त को एक लड़की का अपहरण हो जाता है। अपहरण को लेकर पीड़ित परिवार सिधौली थाने में न्याय की गुहार लगाने पहुंचता है, लेकिन उसकी गुहार को अनसुना कर दिया जाता है। पीड़ित ने आज राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन के दौरान गंभीर आरोप लगाए। सीतापुर सिधौली थाने की पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार और पीड़ित लड़की के पिता ने बताया कि आखिर किस तरह से सिधौली थाना आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रहा। आरोपी बहराइच का बताया जा रहा है और उसके कई पते आधार कार्ड को लेकर पीड़ित पिता न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक सीतापुर की सिधौली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसको लेकर आज कई नेताओं के साथ पीड़ित परिवार राजधानी लखनऊ के धरना स्थल पर प्रदर्शन करता दिखा। आइए डालते हैं पूरी खबर पर एक नजर। सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद, सिधौली थाने के हाथ खाली। आपको बता दें, लड़की का अपहरण कर आरोपी फरार है, लेकिन सीतापुर के सिधौली थाने की पुलिस के हाथ खाली। पीड़ित लगा रहा परिवार मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। हंगामा प्रजापति है, संद्रा थाना महसूई ग्राम सीतापुर के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई है जिसको लेकर? घटना 28/8 को हमारी लड़की जो है डिग्री कॉलेज पढ़ने गई थी सिधौली को, वहाँ से उसका अपहरण हो गया। 30 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी। कहाँ दी? सिधौली कोतवाली में 366 का मुकदमा लिखा गया। उसके बाद में भी हमको पुलिस इधर उधर दौड़ाती रही, सोनीपत कई बार ले गई हमको, लाखों रुपए खर्चा हो गया हमारा, खर्चा करा दिए, और फिर भी आज तक लड़की नहीं बरामद हुई। कितने दिन हो गए लड़की को घुमाए? 2 महीना 18 दिन हो गए। जो लेके गए, आपने जो मुकदमा कराया है? हाँ। नामजद कराया है। कौन लेके गए आपकी? प्रदीप भरद्वाज उर्फ कमलेश कुमार पांडे, ये सिकंदरपुर का रहने वाला है और जिला बहराइच का। ठीक है। और सोनीपत हरियाणा में रह रहा है, बहालगढ़ में। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कोई पुलिस गई एक बार दबिश? हाँ, साथ साथ मिले गई हमको। हाँ। दबिश देने के लिए तो मिला? घर पे? घर पे नहीं मिला, उसके लड़की के वो एविडेंस मिले, कागज। क्या कागज? कागज मिले मार्कशीट लड़की के। लड़की के आपको पूरा मतलब यकीन है कि वही लेके गए? हाँ, वही लेके। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? अब ये देख लीजिए, ये फर्जी आईडी है उसकी, वहीं पर वहीं फर्जी आईडी है। ये फर्जी आईडी है। आपने चेक की है कि फर्जी है? फर्जी है, चेक की थी। फर्जी जब उसका मकान वहाँ है ही नहीं तो फर्जी नहीं बनी जाएगी। नाम फोटो तो उसी की है। नाम फोटो उसी का है। बहालगढ़ में कमलेश कुमार पांडे। फिर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन मदद कर रहा है? प्रशासन मदद करता होता हमारी तो हम धरने पे नहीं बैठते। मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहोगे? मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि हमारी लड़की हमको वापस मिले और उनको जो है सजा मिले। दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कार्रवाई कर रही। कार्रवाई करती होती तो 2 महीना 18 दिन नहीं हो जाते। लड़का जो लेके गया, क्या उम्र होगी लड़का और लड़की दोनों? उसकी होगी 28-30 साल लड़के की। और आपकी लड़की की? 20 साल। 20 साल। शादीशुदा भी है लड़का या लड़की? लड़का शादीशुदा है, लड़की कुंवारी है। अभी तक पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही? पुलिस मदद करती होती। हाँ। और उसके 3 बच्चे भी हैं आदमी के, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई कहाँ कर रही? कोई जानकारी मिली इस समय वो कहाँ पे है? हमको जानकारी कोई नहीं। कहाँ पे? हमको जानकारी नहीं मिली, हम गए थे तब वहाँ उसके एविडेंस मिले। मतलब सोनीपत हरियाणा आप गए? हाँ, थे। हाँ। तो वहाँ पर साक्ष्य मिले कि लड़की? साक्ष्य मिले, हाँ, उसी के घर में मिले। उसके घर में कोई और नहीं था? उसके घर में एक आदमी और था, उसका नौकर। नौकर था उसका, हमको नाम पता नहीं। किसी को पकड़ा है भी? पुलिस ने नहीं पकड़ा। नौकर को भी नहीं पकड़ा? नौकर भी क्यों नहीं पकड़ा ना, उसके भाई को पकड़ के लाई थी और फिर छोड़ दिया उसको। किसका संरक्षण मिल रहा है? रिंकू सिंह चौहान का। कौन है? ये मालिक है उसका। क्या करता है? ये शराब का काम करता है, शराब का ठेका है इसके पास। इसी का संरक्षण है? इसी का संरक्षण। रिंकू सिंह कहाँ का रहने वाला है? ये बहालगढ़ सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। हरियाणा का रहने वाला है। तो जो कमलेश है, जो आरोपी है, वो उसी के साथ वहाँ रहता है? उसी के साथ में दसियों साल से रह रहा है। जो इसका घर बता रहे हैं बहराइच में सिकंदरपुर जी,
वहाँ पर कभी पुलिस ने दबिश दी अभी तक? हाँ, एक बार दी है। वहाँ मिला कोई परिवार? कोई परिवार का भाई, भाई मिला था, उसको उठा के लाई, सुबह छोड़ दिया उसको। अच्छा, पुलिस ने भाई को उठा के लाई थी लेकिन छोड़ दिया। छोड़ दिया।